सरपंच सुमित सामन, पंच सिद्ध जपार, राकेश आंबेकर, गुणलेखक मंगेश जोशी, सहायक गुणलेखक योगेश हरचेरकर, नंदकिशोर बेर्डे, थर्ड रेड निकेत पाडावे, टाइम काउंटर शांताराम वेले। यानंतर रत्नागिरी जिल्हा मोटर मालक असोसिएशन आयोजित महिला व पुरुष गटातील कबड्डी स्पर्धा पुरुषांचा अंतिम सामना वागजाई कोळकेवाडी चिपळूण विरुद्ध डॉक्टर नानासाहेब फाउंडेशन मालगुंड रत्नागिरी या दोन्ही संघांना फर्स्ट कॉल। आपण तिसरा पुकार दिल्यानंतर क्रीडांगणाचा ताबा घ्यायचा आहे। क्रीडांगण क्रमांक दोन वरती महिलांचा अंतिम सामना, महिला गटातील अंतिम सामना इथे खेळला जातोय। एका बाजूला इथे आपण पाहतोय तो या स्पर्धेतला सर्वात तगडा संघ, फायनलिस्ट संघ म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं गेलं होतं तो अनेक स्पोर्ट स्वयंसेवक आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय तो स्वराज्य चिपळूण दोन तगडे संघ। उभे असलेल्या दर्शकांना विनंती आहे, आपल्या पाठीमागे पण थोडेसे दर्शक बसले त्यामुळे थोडस सरका तिकडे पाठच्याला पण बघू द्या।
मोटर मालक असोसिएशनच्या वतीने आतापर्यंत तिने राज्य व जिल्हा स्तरावरील विविध स्पर्धेमध्ये एकूण 10 मेडल्स मिळवलेत आणि अतिशय उद्याचं भविष्य आणि अशीच कामगिरी तिच्या हातून घडत राहो अशी मी रत्नागिरी जिल्हा मोटर मालक असोसिएशनच्या वतीने देव भैरीच्या चरणी मी प्रार्थना करतो. त्याचबरोबर नॅशनल स्पर्धा जी पोर्तुगाल येथे होणार आहे त्या स्पर्धेसाठीही या मुलीची निवड झालेली आहे. आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्याचं आराध्य दैवत भैरीच्या कृपेने तिला तिथेही उज्ज्वल यश वेलकम. तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत रहेगा. महिलाओं का ये ग्रैंड फिनाले मुकाबला चल रहा है. अनिकेत स्पोर्ट खेड और स्वराज्य चिपलून के बीच में यहाँ पर ये मुकाबला चल रहा है. इससे पहले अगर देखा जाए तो मैच बहुत ही शानदार होता हुआ और इस समय अगर देखा जाए तो फिर दोस्तों यहाँ पर खेड़ टीम ने 3 पॉइंट लिए हैं और चिपलून टीम ने 1 पॉइंट यहाँ पर लिया है. ये कहानी है इस मुकाबले की. ये फाइनल मुकाबला यहाँ पर चल रहा है और ये फाइनल मुकाबला मुकाबला चल रहा है और फाइनल मुकाबला अनिकेत स्पोर्ट किड और स्वराज्य चिपलून के बीच में मुकाबला चल रहा है. सच में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है इसमें खेलने वाले खिलाड़ियों की, क्योंकि अब तक का इनका सफर भी बहुत ही अच्छा रहा. मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा इनके घर वालों को, अम्मी अब्बू को और उनके भाई को, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया यहाँ तक आने के लिए, उनको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज ये अपने एरिया का नाम, अपने गांव का नाम इतने बड़े मंच के ऊपर रोशन कर रहे हैं. और सच में नाम बड़ा करने के लिए काम भी बड़ा होना चाहिए. अब तक सभी टीमों ने जबरदस्त काम किया है और उम्मीद करते हैं ऐसे बड़े बड़े स्तर पर जाकर वो अपना नाम, अपने एरिया का नाम बड़ा करें. और जरूर मेरे दोस्तों यहाँ पर घर वालों ने जो फैसला लिया है उसको कामयाब करते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों टीम एक तरफ खेड़ रहेगी, दूसरी ओर चिपलून रहेगी. इसलिए कहा जाता है कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं. और ये जो फैसला इन्होंने लिया है इस प्रतियोगिता को जीतने का, इसको अगर सच करना है तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. काफी तादाद में दर्शक हमारे साथ YouTube पर जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं सरदार शेखते हैं दिल से स्वागत करता हूं. और यहां पर एक ग्रैंड फिनाले अपने नाम करने की यहां पर कोशिश अनिकेत स्पोर्ट खेल और स्वराज्य चिपलून के बीच में चलता हुआ नजर आ रहा है. थोड़े से डिफेंडिंग मोड पर दोनों भी टीमें खेलते हुए नजर आएंगे. उनको पता है कि यहाँ पर कोई जोखिम नहीं उठाएंगे. फर्स्ट हाफ में 4-5 पॉइंट की भी लीड रहेगी तो ये काफी ज्यादा कारगर साबित होगी और यही कोशिश कर रहे हैं दोनों भी टीम के खिलाड़ी. एक तरफ अनिकेत स्पोर्ट खेड टीम ने 10 पॉइंट लिए हैं, दूसरी ओर स्वराज्य चिपलून ने खाता खोला यानी कि 1 पॉइंट लिया है. तो कहीं ना कहीं खेड़ टीम ने इस पूरी प्रतियोगिता में अपना बोलबाला कायम रखा है और यहां पर अगर देखा जाए तो जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए लीड को बरकरार रखने का प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं. सरदार भाई इथे लगेच कैश प्राइज पण जाहीर होते महिला गटातील सुरू असलेल्या या अंतिम सामन्यासाठी. दिलदार अशी असती, करोडों की बस्ती में दिलदार असती म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जाते. विलास रुपये धाडस शेठ, त्याचबरोबर नासिर शेठ बागू, रत्नागिरी तालुका पर्सनेट असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास उर्फ धाडस शेठ आणि त्याचबरोबर उपाध्यक्ष नाशिर शेठ बागू यांच्याकडून 3 पॉइंटसाठी रोख रक्कम 3,000, 5 पॉइंटसाठी रोख रक्कम 5,000, 7 पॉइंटसाठी रोख रक्कम 7,000 एवढी मोठी कॅश प्राईज या अंतिम सामन्यासाठी महिला गटातील संघांवरती लगावले गेले. मंडळाच्या वतीने त्यांचे विशेष आभार. आणि कोण या कॅश प्राईजचा मानकरी ठरतोय हे इथे आपल्याला पाहायचं आहे. रत्नागिरी तालुका पर्सनेट असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री विलास रूप धाडस शेठ आणि उपाध्यक्ष नाशिर शेठ वाघू यांच्याकडून बक्षिसांची लयलूट होताना इथे आपण पाहतोय. 3 पॉइंट घेणाऱ्या खेळाडूला, याचा जो सुपर रेड करणाऱ्या खेळाडूला 3,000 रुपये, 5 पॉइंट घेणाऱ्याला 5,000 रुपये, 7 पॉइंट घेणाऱ्याला 7,000 रुपये. नक्कीच खूप चांगलं योगदान दिलेलं आहे
और एक मोटा प्लैटफॉर्म या कबड्डी पट्टू सा निश्चित प्राप्त करना है। इस बीच अगर देखा जाए तो सुपर रेड तो नो डाउट बनेगी फर्स्ट हाफ में, नहीं तो सेकेंड हाफ में जरूर देखने को मिलेगी। और देखिए पहले अगर कुछ साल पहले की अगर बात की जाए तो सिर्फ लड़कियां घर में ही सीमित रहा करती थी, पढ़ने के लिए उनको फ्रीडम नहीं था और काफी ज्यादा लाइफ उनकी चार दीवारी के अंदर ही खत्म होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर आज ये महिलाएं उनके साथ में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हम पूरी तरीके से फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा, यहां तक का इनका जो सफर है काफी कठिन रहा होगा, लेकिन जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है उनकी तारीफ करनी होगी। हाँ जरूर, कारण सगळ्यांची मेहनत आहे, या मेहनतीचं फळ म्हणूनच फायनल मध्ये दाखल झालेले हे दोन संघ इथे आपण पाहतोय। आणि आपण जर पाहिलं तर भारताच्या सर्वोच्च पदी म्हणजे राष्ट्रपती पदी ही आपण महिलेला पाहतोय, म्हणजे ही एक अभिमानाची गोष्ट आहे। सर्वप्रथम राष्ट्र आणि त्यानंतर आपण स्वतः अशी कामगिरी बजावणारा आपल्या सर्वभौम राष्ट्रपती। जरूर, जैसे की आपने बात की है और सच में काबिले तारीफ है। और सच में मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं और इस समय भी बीच मैदान में ये दोनों भी टीमें संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है, कहीं ना कहीं खेड़ की टीम आगे जरूर चल रही है, लेकिन स्वराज चिपलून की अगर पिछले मुकाबले की बात की जाए तो वैसा ही संघर्ष यहाँ पर करना होगा और वही संघर्ष यहाँ पर करने की कोशिश भी बारी बारी से की जा रही है। 18 पॉइंट की भारी लीड है खेड़ के पास, तो इस लीड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं रहेगा। सिद्धि चाळके जी चढ़ाई पूर्ण करून आले, सिद्धि चाळके जैसे क्रमांक 7 घेऊन ही कोप्रारक्षक या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये ही तिच्या माध्यमातून चांगले टॅकल आपल्याला पाहायला मिळाले आणि ती अष्टपैलू कामगिरी बजावताना आपल्याला पाहायला मिळाले। या भी चढाई करण्यासाठी इथे पण पाहतोय कोप्रारक्षक जर्सी क्रमांक 6 माध्यमातून खेळला गेला एक अप्रतिम टॅकल इथे पाहतोय, रनिंग अँकल होल्ड इथे आपल्याला पाहायला मिळालाय। शानदार कामगिरी अनिकेत स्पोर्ट्स खेळ संघाच्या माध्यमातून जर्सी क्रमांक 8 घालून खेलनारी। जरूर कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते फाइनल का है। एक बात तो तय है, आप खाली हाथ यहां से नहीं जाओगे इस बार काफी लाइन के करीब से। ऐसा लगा था कि इनकी झोली में 3,000, 4,000 या 7,000 भी जा सकते थे, बाल बाल बचे, वरना जीपे के जरिए से नहीं आपको कैश प्राइज दिया जाएगा। कैश है, देखिए कभी कभी जीपे पे क्या होता है, गूगल पे सर्वर डाउन होने की वजह से अमाउंट यहां पर कट होता है, लेकिन प्रोसेसिंग पर रहता है, 7 दिन इंतजार करना पड़ता है। लेकिन धाड़स साहब और वागू साहब ने जो प्राइस रखा है आपको कैश तरीके से देंगे, यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ बीच मैदान में दमदार खेल करना होगा। आणखी एक अप्रतिम टॅकल इथे पाहायला मिळाला आहे, ज्याच्यावर आपण फायनलिस्ट म्हणून पाहिले या चषकावरती नाव करणारा दावेदार असा संघ म्हणून ज्या संघाकडे पाहत होतो अनिकेत स्पोर्ट्स संघ, एकजुटीने खेळताना इथे दिसलाय। यावेळी अनिकेत स्पोर्ट्स संघाची ही चढाई पटू स्वतःच्या उजव्या बाजूने क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झाले। 2-1 ची फील्ड लेफ्ट कॉर्नरला चलाकी दाखवली गेली, जर्सी क्रमांक 11 घालून खेळणारी ही भूमी खोतोरे हिच्या माध्यमातून केली गेलेली एक अप्रतिम रेड पाहायला मिळते। 2 पॉइंट अनिकेत स्पोर्ट्स खेळ संघाच्या खात्यावरती जोडले जात आहेत। यावेळी जर्सी क्रमांक 18 घालून खेळणारी श्रद्धा हुंबरे। जरूर अब तक बोलबाला रहा है, जितने भी मिनटों का खेल यहाँ पर हुआ है अनिकेत स्पोर्ट खेड़ी टीम ने काफी जबरदस्त खेल किया है। 24-2 इस तरीके से पॉइंट टेबल है, 22 पॉइंट की बहुत ही बड़ी लीड लेकर खेल रहे हैं। और बता रहे हैं हमने इतना लंबा सफर तय क्यों कर लिया है, और चिपलून भी काफी दूर से लंबा सफर तय करे, ये खेल है, इसमें जीत हार ये तो लगी रहती है, लेकिन ना जिस तरीके का खेल आप करते हो, ये खेल के बदौलत आप अपना नाम यहाँ पर जो है जिंदा रख सकते हैं, और वही करने का कोशिश यहाँ पर चिपलून की टीम कर रही है। और अनिकेत स्पोर्ट खेड़ ने कोई भी मौका नहीं दिया है स्वराज चिपलून को इस मैच के ऊपर हावी होने का। तो दोनों ओर से अगर देखा जाए तो टैकल अच्छी तरीके से हुए और रेड में पॉइंट भी अच्छी तरीके से लिए हैं खेड़ ने, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इस मैच के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए नजर आ रही है। एडवांस टैकल करना यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो रही है और काफी समय बाद चिपलून टीम को एक पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ, सुपर टैकल ऑन रहेगा। और इस समय 2 का डिफेंस है, राइट कॉर्नर को अटैक करने का प्रयास यहाँ पर होता हुआ, 11 नंबर जर्सी पहनने वाली एक खिलाड़ी है। और इस समय अगर देखा जाए तो काफी अंदर आकर टच करने का प्रयास है और टच पॉइंट लेकर वापस चले जाते हुए, और ये ऑल आउट भी किया है 2+2। बहुत ही अच्छा खेल है, काबिले तारीफ, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। एक तरफ रहेगी व्हाइट ब्रिगेड, दूसरी ओर रेड ब्रिगेड, इस तरीके से दोनों भी टीमें खेल करती हुई।
वुमेन्स का ये ग्रैंड फिनाले फाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, और जरूर इसमें जो जीतेगी वो विनर बनेगी, जो हारेगी वो रनर अप रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि आपको एक ट्रॉफी जरूर यहाँ पर मिलेगी। शानदार कवर मिला जिसकी वजह से यहाँ पर जो है टैकल करने में कामयाबी मिली, और काफी समय बाद एक अच्छी चयन देखने को मिली है। स्वराज्य भूमीच्या टीम संघामध्ये जर आपण पाहिलं तर आणखीन एक महत्त्वपूर्ण घटना मी तुम्हाला सांगतो, श्रद्धा उमरे आणि त्याचबरोबर खेळणारी 18 नंबर जर्सी घालून खेळणारी श्रद्धा उमरे आणि 11 नंबर जर्सी घालून खेळणारी श्रेया उमरे, या श्रद्धा उमरे या श्रेया उमरे यांच्या आई आहेत, माता आहेत, त्या बाप माय लेकी इथे मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला स्वराज्य स्पोर्ट्स चिपळूण संघाकडून खेळताना दिसत आहेत। त्याचबरोबर संघाचे जे कोच म्हणून जे खेळ आपल्याला खुर्चीमध्ये विराजमान झालेले पाहतोय ते श्रद्धा उमरे यांचे पतिराज आहेत, ज्यांचं नाव योगेश उमरे। हे एक महापुरुष पोलीस संघाकडून खेळणारे उत्कृष्ट कबड्डीपटू जे आपल्या संघाला इथे मार्गदर्शन करताना पाहायला मिळत आहेत। तीन उमरे नावाचे हे तीन रत्न आपण स्वराज्य स्पोर्ट चिपळूण संघाकडून खेळताना पाहतोय, आणि संघाचे संघ प्रशिक्षक योगेश उमरे हे महाराष्ट्र संघातनं खेळणारे खेळाडू आहेत, खेळलेला खेळाडू आहे ज्याने आपल्या कारकिर्दीमध्ये बहारदार खेळ करून रत्नागिरी तालुका रत्नागिरी जिल्ह्याचं नाव रोशन केलंय, असा खेळाडू यावेळी स्वराज्य स्पोर्ट चिपळूण संघाला मार्गदर्शन करताना इथे आपण पाहतोय। यावेळी जर्सी क्रमांक एक घालून खेळणारी सुश्रिया इथे चढाई करताना आपण पाहतोय। जरूर काबिल तारीफ है, हर कोई अपने समय में स्टार होता है, नो डाउट, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और हर एक का एक सीमित समय होता है, उसमें उसने बहुत ज्यादा अच्छा खेल किया होता है, और वही यहाँ पर आपने बात बताई, और निश्चित रूप से मैच भी उसी प्रकार से चलता हुआ। खेल टीम बहुत ज्यादा आगे चलती हुई, चिपलून टीम ने अब तक 4 पॉइंट लिए है, और जरूर दोनों ओर से यहाँ पर बातचीत हो रही है। स्वराज चिपलून की ओर से भी यहाँ पर उनके कोच समझाते हुए कि फर्स्ट हाफ का खेल है तो आगे मौका मिलेगा, लेकिन इस हाफ में आपको अपना बेस्ट देना होगा, और वही कोशिश बारी बारी से यहाँ पर उनके खिलाड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर जो टाइम आउट लिया गया है उसमें थोड़ा सा गेम प्लान बनाने की कोशिश रहेगी, लेकिन बहुत लंबा सफर तय करना होगा, और लंबा सफर तय करने के लिए आपको लंबा गेम प्लान बनाना होगा। समय जैसे जैसे आगे जाएगा दोस्तों वैसे वैसे ये मैच भी आपके हाथों से बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा, और इस समय देखना होगा 18 नंबर जर्सी पहने वाली खिलाड़ी है, इसमें क्षमता, इस खिलाड़ी ने भी सुपर डुपर रेड पिछले मुकाबले में की है, देखना होगा इस समय किस तरीके से खेल करते हैं। राइट कॉर्नर से खेल के साथ का डिफेंस है, काफी अंदर आकर टच पॉइंट यहाँ पर लेने की कोशिश चलते हुए इस बार देखिए, जी हाँ एक टच पॉइंट यहाँ पर लेकर जाएंगे, यानी कि हर रेड में उनको सफलता लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, एक पॉइंट यहाँ पर जरूर मिलता हुआ। जैसे टाइम आउट लिया बातचीत की उस पर रिजल्ट भी यहाँ पर पॉजिटिव आता हुआ नजर आ रहा है, और खेल के खिलाड़ी देखिए अब समय को व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं, टच पॉइंट लेकर वापस चले गए, बोनस प्लस पॉइंट है, ये डबल धमाका होता है जब बोनस के ऊपर आपको एक टच पॉइंट भी मिलता है। सुपर डुपर रेड यहां पर करना ही होगा, इस डिस्टेंस को कम करना है, तो सिंगल सिंगल पॉइंट से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद बनाए रखिए हर रेड में यहां पर पॉइंट लेकर वापस चले जाए, वही कर रहे हैं, देखना होगा। 7 नंबर जर्सी पहने वाले खिलाड़ी है, और इस समय बोनस लेने का प्रयास है, 6 का डिफेंस था, अगर लाइन को क्लियर किया, एक पर हवा में है तो निश्चित रूप से बोनस दिया जाएगा। हमारे अंपायर नजरें जमाए बैठे हैं, देखना होगा उनका फैसला क्या यहां पर आता है। जिस तरीके से सेंटर लाइन के करीब ये खिलाड़ी रुकी है उसे साफ जाहिर होता है कि मैंने बोनस क्लियर किया है, शायद यही वो बता रहे हैं, जी हाँ यस बोनस को क्लियर किया है, और इसी के साथ ये एक पॉइंट उनके खाते में जरूर चला जाता हुआ। फिर से एक बार अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बात है, बहुत ज़्यादा दर्शक हमारे साथ अभी भी YouTube पर जुड़े हुए, उन तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत रहेगा। बहुत ज़्यादा पीछे 30 पॉइंट की लीड के साथ खेल खेल रही है, लेकिन फिर भी नए जज्बे के साथ यहाँ पर जो है पॉइंट लेने का प्रयास चल रहा है, 2 पॉइंट यहाँ पर लेकर जरूर जाएगी खेड़ी के खाते में, और 2 पॉइंट यहाँ पर जुड़ते हुए, और कुल मिलाकर स्वराज चिपलून को कमबैक करने का मौका नहीं दे रहे। इस खिलाड़ी में ताकत है जो डबल डबल पॉइंट लेते हुए पॉइंट को यहां पर जो है बढ़ाने की कोशिश करेगी। यूट्यूब की अगर व्यूअर की बात की जाए तो 14,657 दर्शकों ने अब तक इस प्रतियोगिता का मजा लिया है, और मुझे लगता है कबड्डी क्षेत्र में एक रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, और अगर पूरे फाइनल तक अगर मेंस की फाइनल अगर देखते रहेंगे तो 20,000 का आंकड़ा पार हो सकता है, जी हाँ
और अभी तक देखा जाए तो 290 दर्शक अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी बड़ी बात है। काफी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, उनकी ओर से इस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं भी मिल रही, और इसका भी पूरा श्रेय जाता है अगर देखा जाए तो रत्नागिरी जिला मोटर मालक एसोसिएशन के इस पूरे यूनिटी को। और सच में यही कार्य है मेरे दोस्तों जो खुद कर दिखाने का। और यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, सोनम तई चौहान, गिरीश जी कोचरेकर सर और पूरी टीम मिलकर इन्होंने ये मेहनत की है। दूसरा पुकार अंतिम सामन्यासाठी पुरुष विभाग, दूसरा पुकार वागजाई कोटेवाडी चुपून डॉक्टर नानासाहेब फाउंडेशन मालगुण रत्नागिरी दोन्ही संघांना दुसरा पुकार। तिसरा पुकार दिल्यानंतर आपण माहितीच्या दिशेने यायचे। नक्कीच प्रेक्षक पुरुषांचा अंतिम सामना पाहण्यासाठी नक्कीच थांबलेले आहेत, पहिल्या हाफ मध्ये निश्चितच कळेल कोणता संघ वरचढ ठरेल। आणि आतापर्यंत जे फायनलिस्ट संघ ठरले त्यांनी अप्रतिम कार्य केलेले आहे। पाहायला गेलं तर अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश करणारे दोन संघ अशा प्रकारे आहेत, नानासाहेब प्रतिष्ठान मालगुण आणि त्यांच्या विरोधामध्ये वागजाई कुळकेवाडी चिपळूण, या दोन्ही संघादरम्यान पुरुषांच्या गटातील अंतिम सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। आणि तोच सामना पाहण्यासाठी प्रेक्षक या ठिकाणी आतुरतेने वाट पाहत आहेत। यूट्यूब वरती देखील प्रेक्षकांची संख्या हळूहळू वाढणार यात काही शंका नाहीये, जिथे जिथे नजर जाईल तिथे तिथे प्रेक्षकांचा प्रतिसाद। पुन्हा एकदा मी सांगू इच्छितो मित्रांनो, उद्या याच रंगमंचावरती दादूजी यांचे प्रसिद्ध गाणी ऐकण्याची तुम्हाला सुवर्ण संधी प्राप्त होणार आहे। मधुर संगीताच्या दुनियामध्ये दादूजी आपल्याला घेऊन जातील, याच बहुसंख्याने तुम्ही उद्या देखील उपस्थित राहाल यात काही शंका नाहीये। गोकुळ अष्टमीच्या देखील मनपूर्वक शुभेच्छा असतील या स्पर्धेच्या माध्यमातून, आणि निश्चितच पूर्ण महाराष्ट्रभर जल्लोषामध्ये गोकुळ अष्टमी साजरी देखील करण्यात येणार आहे। तमाम मायबाप क्रीडा रसिकाने माझे सर्व आदरणीय मित्र यांना गोकुळ अष्टमीच्या सरदार शेख कडून मनपूर्वक शुभेच्छा। नक्कीच आज रात्री ठीक 12 वाजता जन्मकाळ देखील आहे, आणि मोठ्या उत्साहामध्ये अवघे महाराष्ट्र नाही तर महाराष्ट्राबाहेर देखील गोकुळ अष्टमी साजरी केली जाते, आणि विदेशातील देखील पर्यटक आवर्जून भारतामध्ये गोकुळ अष्टमी साजरी करण्यासाठी येतात। हे विशेष आहे, भारत म्हटल्यानंतर विविधतेमध्ये एकतेने नटलेला आपला हा सुंदर भारत देश, आणि म्हणूनच मित्रांनो आपल्या भारतामध्ये गुण्या गोविंदाने राहणारे आमचे सर्व मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आपण सर्वांचं सहर्ष स्वागत असेल। हीच आपली ताकद आहे, आणि या ताकदीला निश्चितच आपण अजून जास्त बळकट बनवू शकतो। होळीया मैदानाच्या दिशेने सेकंड हाफ मध्ये सामना रंगलाय, आणि स्पोर्ट खेळने आतापर्यंत 39 पॉईंट घेतले। आणखी एक माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवतो, जो आपण तगडा संघ म्हणून पाहतोय अनिकेत स्पोर्ट खेळ संघ, या संघामध्ये साथीच्या साथी खेळाडू हे नॅशनल आणि स्टेट लेवलला खेळणारे आहेत। जर्सी क्रमांक 7 घालून खेळणारी सिद्धी चाळके ही कुमारी गट नॅशनल प्लेयर आहे, त्याचबरोबर जर्सी क्रमांक 5 घालून खेळणारी सायली शिंदे ही पण नॅशनल खेळाडू आहे, त्याचबरोबर जर्सी क्रमांक 10 घालून खेळणारी तस्नीम बोरणकर ही पण नॅशनल कुमारी गटातनं खेळणारी मुलगी आहे, आणि त्याचबरोबर आपण इथे राज्य लेवलला खेळणाऱ्या मुली आहेत। जर्सी क्रमांक 1 घालून खेळणारी कोपराधक्षकाची भूमिका बजावणारी अष्टपैलू खेळाडू सुप्रिया थोरे ही राज्यस्तरीय खेळाडू आहे, त्याचबरोबर जर्सी क्रमांक 4 घालून खेळणारी रेशमा पवार ही पण राज्यस्तरीय खेळाडू आहे, जर्सी क्रमांक 11 घालून खेळणारी भूमी झोरे ही पण राज्यस्तरावरती आपलं नावलौकिक झळकवणारी खेळाडू, आणि त्याचबरोबर आपण राखीव म्हणून ज्या मुलीकडे पाहतो जर्सी क्रमांक 9 घालून खेळणारी कुमार गटातील आणि उपन गटामध्येही जिने नावलौकिक कमावले अशी समरीन भुरणकर ही पण या अनिकेत स्पोर्ट्स खेळ संघामध्ये आहे। आणि सगळा पूर्णच्या पूर्ण साथी खेळाडू जर आपण पाहिले तर नॅशनल आणि राज्य लेवलला खेळणारे आहेत, आणि अशा या तगड्या संघाविरुद्ध इथे फाईट देताना आपण पाहतोय तो स्वराज्यभूमी चिपळूण संघ। बक्षीस इथे जाहीर होते, रत्नागिरी तालुका पर्सनेट असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास रूप दाढस शेठ, उपाध्यक्ष नाशिर शेठ वाघू, त्याचबरोबर कार्याध्यक्ष विजयजी खेडेकर यांकडून
तीन पॉइंट साठी 3000 रुपये, 5 पॉइंट साठी 5000 रुपये, आणि जर 7 पॉइंट इथे घेतले गेले तर 7000 रुपयांचे बक्षीस लागू होतं. इथे बंपर धमाका, बक्षीस जाहीर केला आणि पहिलाच बंपर धमाका. जैसी क्रमांक 7 घालून खेळणारी सिद्धी चाळके हिच्या माध्यमातून पहिलीच 3000 रुपयांची मानकरी ठरते. चलते हैं मुकाबले के दरमियान. एक तरफ अगर देखा जाए तो चिपलुन और दूसरी ओर खेड़ है. खेड़ बहुत ज्यादा आगे जाते हुए काफी लंबा सफर तय करना होगा चिपलुन को अगर खेड़ को पीछे छोड़ना है तो. एक तरफ 45 दूसरी ओर 9 और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बताते हुए कि इस मैच के ऊपर अपना शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं और ऑल आउट यहाँ पर होते हुए जरूर. इस समय अगर देखा जाए तो चिपलुन की टीम स्वराज चिपलुन यहाँ तक भी आए इनके लिए बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर जरूर बताते हुए. इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है जिसकी आप बात करना चाहते हैं जिसके लिए यहाँ पर रुके मेरे दोस्तों वागजाई चिपलुन और नाना साहब फाउंडेशन मालगुन ग्रैंड फिनाले मुकाबला हम जानते हैं उसी के लिए आप इतना समय यहाँ पर रुके हैं और आपका समय जाया नहीं जाएगा क्योंकि मैच वो भी अच्छा होने वाला है इसमें कोई संदेह नहीं कोई शक नहीं है. और दर्शकों की तालियां सीटियां जरूर इस स्टेडियम पर हमें देखने को मिलेगी. इस बीच अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर डेकर किया गया है एक अच्छी चैन इस बीच बनाते हुए नजर आ रहे. कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खेड़ और कुल मिलाकर देखा जाए दूसरी बार इस प्रतियोगिता में देखा जा रहा है 50 का आंकड़ा पार कर लिया गया है पॉइंट का और महिलाएं की टीम ने ही 50 का आंकड़ा पार किया है. और ये बात है कि महिलाएं बताते हुए आपसे हम कई गुना आगे हैं और क्या जबरदस्त तरीके से टैकल यहां पर किया गया है. जरूर एक पॉइंट यहां पर जो है मिलता हुआ स्वराज चिपलुन को काफी समय बाद इस समय पॉइंट मिलता हुआ नजर आ रहा है. चंद मिनट बचे हुए चंद मिनटों पर अपने खेल का स्तर बढ़ाने की कोशिश करेंगे डिस्टेंस को कम करना चाहेंगे 10-50 इस तरीके से यहां पर जो है मेरे दोस्तों पॉइंट मिले. इस बार क्या हुआ है और यहां पर पॉइंट मिलेंगे एक तरफ बोनस प्लस 2 यानी कि 3 पॉइंट जुड़ेंगे. अब जरूर स्वराज चिपलुन की एसटी काफी जोर से चलती हुई जी हाँ अब इनकी रफ्तार बढ़ चुकी है मानो कि सिटी से बाहर निकल चुके हैं अब हाईवे पर आए हैं यहां से अब टॉप गियर में जल्दी पहुंचना चाहते हैं. खेड़ को ओवरटेक करना है तो आपको जरूर इस रफ्तार को मेंटेन करना होगा जिस रफ्तार से आप आगे चल रहे हैं वही रफ्तार यानी कि एक्सलेटर पर पैर देना होगा और वही यहां पर कर रहे हैं स्वराज चिपलुन की टीम. अनिकेत स्पोर्ट खिड़की अगर बात की जाए तो इक्के दुके पहुंच जाने से उनको फर्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी इस फासले को कम करने का प्रयास यहाँ पर जरूर किया जा रहा है. इस खिलाड़ी में वो ताकत है 13 नंबर जर्सी पहने वाले 18 नंबर शब्दा उमरे 18 नंबर जर्सी घालून खेळणारी शब्दा उमरे याच्या पूर्वीच्या चढाई मध्ये 2 मोहरे तिने कार्यरत केले होते आणि याही वेळी यशस्वी रेडकर कडून मिडल लाईन वरती येऊन उभे राहिले. शानदार खेळाचं प्रदर्शन हा उमरे परिवार आतापर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये आपण स्वराज्य स्पोर्ट चिपळूण संघाकडनं पाहतोय. यावेळी जर्सी क्रमांक 7 घालून खेळणारी जिच्या माध्यमातून एक आपण सुपर रेड पाहिले आणि जाहीर केलेल्या 3000 रुपयाची मानकरी ठरणारी सिद्धी चाळके कुमारी गटातील नॅशनलचे खेळाडू जिच्या माध्यमातून पहिली सुपर रेड या क्रीडांगामध्ये आपण पाहिले. पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये चढाई करताना स्वराज्य स्पोर्ट चिपळूण संघाकडून शब्दा उमरे जरूर काफी ज्यादा इन्होंने प्रभावित किया अपने खेल से और नए नए रिकॉर्ड भी अपने नाम किए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बातें हैं और वही कर रहे हैं और ज़रूर
दर्शक भी इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं इसके बाद के लिए वो एनर्जी बचाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 11 नंबर जर्सी पहने वाले खिलाड़ी यहाँ पर जो खेल रही है राइट कॉर्नर से, खेल के चार गाड़ी भेजा है, बहुत ही शानदार तरीके से रैकेट किया गया है। एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा स्वराज चिपलून के खाते में, 15-55। अभी भी फासले की बात की जाए तो 40 पॉइंट का है, लेकिन औपचारिकता बची है मैच के दरमियान, प्रैक्टिस से यहां पर जरूर करना चाहेंगे। एक खुशी की लहर अनिकेत स्पोर्ट खेल के खेमे में जरूर रहेगी, लेकिन चिपलून की बात की जाए तो वो इस मुकाबले को जरूर यहां पर अब एंजॉय करना चाहिए। तालियां चाहिए दोस्तों, वाघजाई संघ कोळकेवाडी संघाचे सर्व वाघ मैदानाच्या आत मध्ये दाखल होताना इथे आपल्याला पाहायचे आहेत। थोड्याच वेळात पुरुष गटातील अंतिम सामना इथे खेळला जाईल। महिला गटातील सामना जर्सी क्रमांक 12 ला इथे आपण पाहतोय, जर्सी क्रमांक 12 घालून खेळणारी चिन्मयी इंगळे इथे चढाई करताना, चढाई पूर्ण करून माघारी परतले, प्रत्युत्तर देण्यासाठी जर्सी क्रमांक 8 इथे दाखल झाले। अनिकेत स्पोर्ट खेळ संघाची खेळाडू स्वतःच्या उजव्या बाजूने खेळ करताना रनिंग मध्ये पकडलेला हा चौडा, परंतु शिकार हातात नदी साठले, एक नाही दोन नाही पॉइंट मिळाले इथे 6। नासिर सेठ वागू यांनी जाहीर केलेल्या 5,000 रुपयांची पारितोषिकाची विजेता ठरतोय तो अनिकेत स्पोर्ट्स खेळ। 8,000 रुपयांची लयलूट नासिर शेठ वागू, त्याचबरोबर विकास शेठ उर्फ धाडस शेठ, त्याचबरोबर विजय शेठ खेडेकर यांच्याकडून झालेली पाहायला मिळेल। आतापर्यंत 7,000 रुपयांची कॅश प्राईज आपल्या खात्यामध्ये जमवली गेले, ती सायली सिद्धी चाळके आणि त्याचबरोबर अनेके स्पोर्ट्स खेळ संघाच्या माध्यमातून। नक्कीच या आधीच राजा सर तुम्हाला मी सांगितलं होतं की त्यांना तुम्ही या ठिकाणी निश्चितच कमी लेखू शकत नाही, त्या देखील रणरागिणी आहेत, तर मैदानाच्या आतमध्ये त्यांनी देखील अनेक विक्रम केलेले आहेत आणि या अंतिम सामन्यामध्ये देखील 30 छाप मैदानामध्ये सोडलेले आहे दोन्ही संघाकडून। काय जबरदस्त खेळ केला आहे, निश्चितच स्वराज्य चिपळूण थोडासा पिछाडीवरती आहे, लेकिन स्तुती करण्यायोग्य त्यांची स्तुती आहे। या ठिकाणी पाहूया किती मोहरे गारत केले गेले, 5,000। क्या बात है, आप आएगा खेल के बना, अमाउंट की राशि बताइए, 7,5, 13, 12,000, 12, 13,000, पहले 3,000, त्यानंतर 5,000, पुनः 5,000, ऐसी बात है, कितने हुए 13, कितने 13,000, कितने 13,000 आएगा, जी हाँ। अभी तक राजा सर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरी चंद मिनटों में यह कारनामा हुआ है, इसका मतलब साफ है कि कुछ भी हो सकता है। हाँ 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 मजा आएगा। देखिए फाइनल के लिए ये आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बारी बारी से मैं और राजा सर बीच मैदान में आएंगे, लेकिन महिलाओं का जो ग्रैंड फिनाले चल रहा है मेरे दोस्त शुभम, जोरदार तालियां होनी चाहिए उस मुकाबले के लिए। ये हुई ना बात, इस मुझे लगता है इसी एरिया में पब्लिक जो है मैच में बने, बाकी सब अलग अलग ख्यालों में डूबे हुए हैं, कोई घर का टेंशन, कोई लोन का टेंशन, कोई अलग टेंशन, आप समझ जाइए, समझदार को इशारा काफी है, लेकिन टेंशन को पेंशन लेने भेजिए और यहाँ पर इस ग्रैंड फिनाले के दरमियान ध्यान दीजिए। क्यों राजा सर? अरे पुरुष गटातील रत्नागिरी तालुक्याचं प्रतिनिधित्व करणारा आणि या क्रीडांगणावरती रत्नागिरी तालुक्याचं प्रतिनिधित्व करणारा संघ नानासाहेब बेकर फाउंडेशन मालगोंड, जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, मैच में मजा आने वाला है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब तक मी आदरणीय सर्व प्रेक्षकांना विनंती करतोय, त्या बांबूवरती बसलेले प्रेक्षक वर्ग बसा, फक्त एकच रस्सी बांधलेली याची दक्षता घ्या, 60 ते 70 पेक्षा तुमचं वेट असेल तर तुम्ही खाली उतरा, 70 किलोच ती कॅपॅसिटी आहे, नंतर बांबू तुटणार आहे याची दक्षता घ्या। तुम्ही इंजुरी व्हाल, तुमच्या घरच्यांसाठी तुमची खूप काळजी आहे, युट्यूबवरती देखील आमचे सफवान भाई तुम्हाला कॅमेरामध्ये कैद करतायत। नक्कीच मित्रांनो आपण या स्पर्धेमध्ये येऊन खरंच खूप चांगलं योगदान दिलेलं आहे, यात काही शंका नाही आहे।
सफवान बारगीर आमचे मित्र ही क्षण चित्र आपल्या कॅमेरामध्ये कैर करताना दिसतायत। त्यांचे घरचे नक्कीच सांगतील की मी तुम्हाला एक पत्रा बांधायला सांगितलं तेव्हा चढायला आला नाही, कबड्डी बघायला वरती चढायला आला। ही कमेंट तुम्हाला घरी गेल्यावर वहिनी सांगणार, 100% सांगणार। आणि झूम केलंय तुम्ही घरी जाऊन युट्यूब वरती लाईव्ह पाहू शकता। हा जरूर मजा आ रहा है मेरे दोस्तों। और सिर्फ अगर फाइनल की बात की जाए तो औपचारिकता बची है, सभी उम्मीद में लगे हुए हैं। इस बीच अगर पुरुषों के इस फाइनल मुकाबले के दरमियान जो मुकाबला थोड़ी ही देर में अब खेला जाने वाला है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम दोनों भी टीमों की। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी टीमों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और एक एक दो दो पॉइंट से प्रतियोगिता से बाहर गए। नए जोश के साथ नेक्स्ट ईयर वो जरूर खेलेंगे, लेकिन इस 2022 के महासंग्राम में कौन सी टीम विनर बनेगी चंद मिनटों में आपको जरूर पता चलेगा। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा कबड्डी का महासंग्राम। इस समय अनिकेत स्पोर्ट केड और स्वराज्य चिपलून के बीच में अनिकेत स्पोर्ट केड ने काफी रत्नागिरी जिल्हा मोटर बालक असोसिएशन पुरस्कृत महिला गटातील कबड्डी स्पर्धा 2022 च्या या पर्वाचा अंतिम विजेता अनिकेत स्पोर्ट खेड। जोरदार नारा मित्रांनो, अनिकेत स्पोर्ट खेड साठी झाला पाहिजे। एवढ्या लांबून एक तगडा संघ इथे दाखल झालेला आपण पाहिलंय। सर्व राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरती खेळणारी कन्या आपण या क्रीडांगणावरती आपल्याला पाहायला मिळाले, त्यांचा बहादर खेळ पाहायला मिळाला, त्यांची दहशत या क्रीडांगणावरती पाहायला मिळाले। आणि एक तर्फी सेमी फायनल आणि फायनलचा सामना ही अनिकेत स्पोर्ट खेळ संघाने जिंकून एक कीर्तिमान या क्रीडांगणावरती इतिहास रचणारा खेळ त्यांच्या माध्यमातून या क्रीडांगणावरती पाहायला मिळाला। हॅलो, सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। तर निश्चितच काही प्रेक्षक आहेत ते विनंती करतायत की आम्हाला सामना पाहायला मिळत नाहीये, तुम्ही सामना पहा परंतु त्यांना देखील पाहायला मिळेल याची दक्षता घ्या। कोणाला काय सांगायचं हे सुचत नाही।
भाई फाळके यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते या खेळाडूचा इथे येतोची सन्मान करायचा आहे. मित्रांनो जोरदार टाळ्या प्रो कबड्डी स्टार खेळाडू अजिंक्य पवार. असोसिएशनच्या वतीने प्रेमाची शाळ आणि त्याचबरोबर सन्मान चिन्ह जेणे ते सन्मानित केलं जातोय प्रो कबड्डी स्टार खेळाडू ज्याने रत्नागिरी जिल्ह्याचा आगाज या प्रो कबड्डीच्या 2022 पर्वामध्ये दिलाय असा स्टार खेळाडू अजिंक्य पवार. यानंतर इथे दुसरा स्टार खेळाडू ज्याची 20 लाखाची बोली लगावली गेली होती असा रत्नागिरी जिल्ह्याची आन बान शान वाघजाई गोळकेवाडीचा दुसरा वाघ शुभम शिंदे. आपण कृपया मंचावरती येण्याची कृपा करा. जोरदार टाळ्यांचा गजर केला जातोय. गजर तर होणारच कारण वाघ येतोय मंचावरती. धर्माजी सावंत आणि संदेश वाडकर यांनाही विनंती करतो की आपण यांच्यासोबत जॉईन व्हा. रत्नागिरी तालुक्यातील उत्कृष्ट कबड्डीपटू आणखी एक प्रो कबड्डी स्टार खेळाडू ज्याची क्रमांक 9 ज्याची संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये डंका आहे असा स्टार खेळाडू शुभम शिंदे. रत्नागिरी जिल्हा शिरपेचामध्ये मानाचा तुरा रोवणारे असे हे दोन मोहरे आहेत जे प्रो कबड्डीमध्ये एंटर होताना पाहायला मिळतात आणि निश्चित 2022 या पर्वामध्ये यांची डंका आपल्याला पाहायला मिळेल. मी रत्नागिरी जिल्ह्याचं आराध्य दैवत भैरी चरणी प्रार्थना करतो की अजिंक्य पवार आणि अजिंक्य शुभम शिंदे याच्या माध्यमातून असाच बहारदार खेळ आपल्याला प्रो कबड्डीमध्ये लीग मध्ये ही निर्विघ्नपणे संपन्न होते अशा सर्वांच्या परिचित असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य असोसिएशनच्या उपाध्यक्ष सौ नेत्राताई राजे शिर्के यांचा इथे असोसिएशनच्या वतीने सन्मान केला जातोय. यानंतर संपूर्ण स्पर्धेचे पंच ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपली कामगिरी बजावत आहेत असे पंच प्रमुख राष्ट्रीय खेळाडू